साडे देश च बेरोजगारी किन्नी कु है यह हर एक नूं स्पष्ट है, पर कुछ लोग अजिहे हुंदे ने जो अपने रास्ते आप कटदे ने। गल करिए सिरसे दे डब वाली इलाके दी, तां इत्थे दीआं औरतां जुत्तियां बनाउण दा काम करदीआं ने, ते इह जो जुत्तियां बनांदीआं ने ब्रांडेड नूं वी इह मात पाउंदीआं ने। किवें बनांदीआं ने इह जुत्तियां, की फायदा हुंदा उहनां नूं अजिहे रुजगार दे नाल, की स्थिति है उहनां दी, आओ तुहानूं दिखाउंदे आं। जुत्तियां चप्पलां च अज कई ब्रांडेड कंपनियां अपनी पूरी ताक जमा रहीयां ने, पर इस दे बावजूद डब वाली च जिहड़ी जुत्ती तैयार हुंदी है ओह कई सूबियां दीआं महिलावां वास्ते किसे ब्रांड तों घट साबित नहीं हो रही। इत्थे तैयार होण वाली जुत्ती दी डिमांड देश दे कई सूबियां दे विच मौजूद है। जुत्तियां दे इस कारोबार ने डब वाली नूं इक वखरी ही पछाण दित्ती है। दस दईए कि इस दे नाल कई महिलावां नूं रुजगार भी मिलिया है। वर्णनयोग है कि इस कारोबार दे विच ज्यादातर दलित भाईचारे दीआं महिलावां शामिल ने। डब वाली च पिछले 30 सालां तों महिलावां जुत्ती बनाउण दे काम च जुटियां होईयां ने, पर दस दईए कि महिलावां नूं जुत्ती तैयार करन दे 30 या 40 रुपए ही मिलदे ने। पूरे दिन च केवल 6 ही जुत्तियां बणदीआं ने। की आखदीआं ने महिलावां अपने इस कारोबार बारे, आओ जानते हां। ये तो मैं पहले तो नहीं बनाती, ये पापा एक्सपायर होए वादे पे बनाने लग गए। पहले तो कभी नहीं करवाए पापा ने काम, एक्सपायर होने के बाद फिर घर खर्चा चलाने के लिए करना पड़ता है। 10-11 साल रोजाना कितने पीस जुत्ती बनाते? बस बना लेते हैं 6। कितना मेहनत आना कितना मिलता है आपको एक जुत्ती का? एक जुत्ती का 20 रुपया मिलता है। हम तो दिहाड़ी पे करते हैं, वैसे चेटिन का कोई और है, हम तो यहाँ पे बना के दुकान पे देके आते हैं, वहाँ से जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। कितनी आपकी लागत आती है, कितना आपको खर्चा मिलता है इसका? इसका जितना काम करो उतना ही मिलता है। कई बार 10 भी हो जाती है, कई बार 6 भी हो जाती है, कई बार ज्यादा हो जाती है। हाँ वो उनका होता है सब, हमको तो सिलाई करना होता है सब। हाँ वैरायटी काफी होती है, महंगी भी होती है सस्ती भी होती है, हम यही बनाते हैं। बोल भी आती है इसमें, ये चोर्स में ये यही चलती है आज के टाइम पे। 10 सालों से कर रहे हैं जी। जी मेरे पति दिहाड़ी करते हैं तो उसे बरकत नहीं, घर में कम वो है, इतनी आमदनी नहीं है, इसलिए हमें काम करना पड़ता है। और साथ जुत्ती बनाते हैं, इसकी सिलाई कोई 40 रुपया सिलाई है जी, रोज की 4 जुत्ती सी लेते हैं जी, 4 जुत्ती बनाते हैं, 120 रुपये बनते हैं जी इसकी सिलाई के। कौन कौन सी वैरायटी बनाते हैं, कहाँ कहाँ जाती है? ये जी अम्बाला जाती है, पटियाला जाती है, बठिंडा, जलंधर, अम्बरसर, सारी जगह जाती है जी, दिल्ली भी जाती है, बम्बई भी जाती है जी। जी ये मर्दामी है जी, जेंट्स पहनते हैं इसे, लेडीज भी बनाते हैं जी, फैंसी बनाते हैं जी। वर्णनयोग है कि इस तो पता लगता है कि महिलावां जिन्नी मेहनत करदियां ने उन्ना फल उन्होंने नहीं मिलता। दुकानदारां दे नाल जदों इस विषय ते गलबात कीती गई तां दुकानदार पूरन चंद ने दस्या कि महिलावां ते पुरश जो जुत्ती बनांदे ने अलग अलग हिसाब दे नाल उन्हां नूं लेबर दित्ती जांदी है। उन्हां ने कहा कि महिलावां नूं सिलाई वास्ते 50 या 60 रुपए दिते जांदे ने। होर की आखदे ने ओ महिलावां दे इस काम बारे ते उन्हां दी इस परेशानी बारे, आओ जानते हां। लेबर कैसे है ना भी अलग अलग काम है, 3-4 हिस्सों में काम बट के होता है, उसमें लेडीज भी करती हैं, जेंट्स भी करते हैं, दोनों कर रहे हैं अलग अलग लेबर के हिसाब से। जो काम जो सिलाई वगैरह का काम है वो 60 रुपये से लेके 65 रुपये तक है, कुछ 50 से 65 रुपये तक सिलाई का। महिलाओं वाली बड़ी वैरायटी है, एक तो कढ़ाई का काम होता है इसमें, वो कढ़ाई का काम तो अब कम हो रहा है थोड़ा सा, और जो सिलाई वगैरह का काम है वो लेडीज़ कर रही हैं। यहाँ से नज़दीक लगभग हरियाणा, पंजाब में, राजस्थान जा रही है, दिल्ली जा रही है, तीनों चार जगह जा रही है। ट्रेंड के हिसाब से 2-3 साल बाद कुछ ना कुछ नया चल जाता है। तो आजकल जेंट्स में जो खुसा वगैरह चल रहा है और लेडीज़ में वर्क वाली जूती चलती है, ज़्यादा सिंपल कम चलती है। लेडीज़ की वैरायटी चेंज होती रहती है, हर 3-2 साल बाद में नया कुछ ना आ जाता है, कढ़ाई वगैरह चेंज होगी, कोई शेप वगैरह चेंज होगी, ऐसे बदल जाता है। ये लगभग जो काम हो रहा है बरेली से हो गया है, हैंडवर्क है सारा, ये जो मुसलमान वगैरह करते हैं सारी, और जो लोकल काम है कढ़ाई का जो लेडीज़ करती हैं वो थोड़ा काम रह गया, पहले होता था ज़्यादा, अब बहुत थोड़ा रह गया। कॉस्ट 450 की रेंज में यहाँ से सेल होती है और आगे जाके अपना मार्जिन लगा के बेचती है वो। ग्राहकां दे नाल जदों इस विषय ते गलबात कीती गई तां उन्हां ने दस्या कि डब वाली दी जुत्ती पूरे देश भर च मशहूर है, बठिंडा ते मलोट तो कई बार ओ इत्थे आंदे ने ते जुत्तियां खरीद के ले जांदे ने। ओ आखदे ने कि इत्थे मजबूत ते सस्ती जुत्ती मिलदी है ते वैरायटी भी बहुत ज्यादा देखण नूं मिलदी है। होर की आखदे ने ग्राहक डब वाली दी इस जुत्ती बारे, आओ जानते हां। असीं जुत्तियां इत्थों डब्बे तों खरीददे हां जी, बहुत वधीआ जुत्ती है, हर परिवार वास्ते इत्थे लै के आउंदे हां, ते असीं सारे कहिंदे वी जुत्ती डब्बे तों खरीदो, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੁੱਤੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸਸਤੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਹੰਢਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੰਢਣ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵਰਾਇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲੀ ਕੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈਤੇ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਪਸੰਦ ਕੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਹੀ ਲੈਤੇ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਮ डिजाइन भी अलग अलग ही मिलते हैं जो मर्जी मतलब कलर्ड लो फुलकारी वाली लो कोई भी हो मतलब अच्छी मिलती है। गल करिए बिजनेस दी ता की हुंदा या के जेड़ा बनांदा है उनु सब तो घट पैसे मिलते दुकानदार नु बेचदे है ओ अपना मुनाफा कमांदा है ते अगो जेड़ा होलसेलर लेके जांदा है ओ भी मुनाफा कमांदा है पर जेड़ा बनांदा है ओ ही सिर्फ घट रहंदा है। आखिर ये स्थिति क्यों बनती है? लोड़ है तो लोगों नू भी सही तरीके ना बिजनेस बारे जागरूक करन दी ए दसन दी कि किस तरह वो वध मुनाफा कमा सकते हैं किस तरह वो अपनी रोजी रोटी वधिया चला सकते हैं। फिर भी एक गल तो कहनी बनती है कि इन्हां महिलावां दे विच जोश भी है तो होश भी है जिस तरीके दे नाल ए अपने हालातों का मुकाबला करदियां ने वो काबिले तारीफ है। लोड़ है तो सानू अजिहियां तकनीकां होर ज़्यादा वधाउण दी इन्हां नू बिजनेस बारे जागरूक करन दी ते हर किसी नू अजिही सोच अपनाउण दी। हुण मैनू बबलीन कौर नू दिओ इजाजत की कहोगे तुसीं इस विषय बारे जरूर दसना ते देखते रहो अजीत वैब टीवी।